दोस्तों, इंडिया प्राइम रिपोर्ट की खबरों को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम रिपोर्ट। बिहार में राजद ने चुनाव आयोग से आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई करने की मांग की है। राजद नेता ने आचार संहिता का उल्लंघन होने की बात चुनाव आयोग से की है और कहा है कि इस पर कार्रवाई करे चुनाव आयोग। तो वहीं राजद नेता आलोक मेहता ने चुनाव आयोग पर चुटकी लेते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। राजद नेता आलोक मेहता ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। इस तरीके से राजद जाने लगा कि कहीं ना कहीं आचार संहिता के मामले में चुनाव आयोग पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर महसूस होगा कि जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और पद और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहाँ पर चुनाव आयोग को निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने की अपील करें और इसी के विरुद्ध तो हम लोग उस व्यवस्था को अपने पक्ष में करके सरकारी पद पर रहने के साथ पद का दुरुपयोग करने, इन सारी बातों को शामिल करें तो आपको लगेगा कि पूरे तंत्र और व्यवस्था को ये लोग चाहते हैं कि उसका दुरुपयोग करें और जनता को भ्रम में डालकर फिर से वो सत्ता में आना चाहते हैं। इसी की तो मुखालफत है। देश में डेमोक्रेसी का इससे बहुत जो कुछ हो रहा है और डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा कुठाराघात है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा जो इस तरह की जो कल आपने देखा क्या हुआ, मतलब कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इलेक्शन कमीशन का डोमिनेंस इस चुनाव में है। तो हम अपील करेंगे कि जो संवैधानिक संस्था है उसकी गरिमा बचाई जाए और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी बचाई जाए। आपको लग रहा है ना कि आयोग का जो इस तरह का फंक्शन है चुनाव आयोग का, वो कहीं ना कहीं जो पूर्व के आयोग का फंक्शन है उससे कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है? मैंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर भी कब्जा करने की कोशिश किसी पार्टी और विचार विशेष द्वारा किया गया, यही तो डेमोक्रेसी पर कुठाराघात है। तो स्वाभाविक है, जो निष्पक्षता यदि नहीं रहेगी तो फिर लोकतंत्र आहत होगा और हो रहा है। उसी के विरुद्ध हम लोग इस शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को, जो जनता इस बार सबक सिखाएगी, जनता सब कुछ देख रही है, अंतिम अदालत जनता ही है, जनता की अदालत में हम लोग हैं, जनता सब कुछ देख रही है कौन क्या कर रहा है और उसी के हिसाब से फैसला।